नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एवना सेटाइवा के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के वीडियोस में मैं आपको हर मेडिसिन जो इस बुक में लिखी हुई है उसे पढ़ के बता रहा हूँ, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। और आज इस वीडियो में हम एवना सेटाइवा के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो एवना सेटाइवा एक महान टॉनिक है, बहुत ही इफेक्टिव टॉनिक है। और टॉनिक शब्द लेखक ने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे शरीर को इम्प्रूव करती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और हम अगर इसे लेते हैं तो हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, मानसिक तौर पे भी और फिजिकल तौर पे भी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। धातु दुर्बलता वगैरह में इसका व्यवहार होता है। मतलब अगर किसी को धातु दुर्बलता की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सालों से है, धातु रोग है, तो ज़रूर एवना सेटाइवा यूज़ करना चाहिए। आगे लेखक लिखते हैं, होम्योपैथिक जगत में इसका बड़े आदर के साथ व्यवहार होता है। बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। मेरे क्लिनिक में भी मैं बहुत सारे पेशेंट को, अलग अलग पेशेंट को एज अ टॉनिक और अलग अलग तरह से इस मेडिसिन का, इस दवा का व्यवहार करता हूँ, अपने पेशेंट को देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, वो लिख रहे हैं कि मैं भी इसके बारे में कुछ विचार दे रहा हूँ। लेखक लिख रहे हैं कि मैं भी आपको इसके बारे में कुछ मेडिसिन के बारे में कुछ बता रहा हूँ, विचार बता रहा हूँ। पाठकगण इससे लाभ उठाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। वो बोल रहे हैं कि पाठकगण इससे लाभ उठाएंगे, पढ़ने वाले इससे लाभ उठाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सुनने वाले इससे लाभ उठाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। धातु दुर्बलता तथा नपुंसकता में इसका व्यवहार होता है। जिन लोगों को शराब, अफीम, तम्बाकू आदि का सेवन करने के कारण किसी काम में मन नहीं लगता और थोड़ा बहुत चलने फिरने से थकावट महसूस होती है तथा आराम करने की इच्छा होती है, चिड़चिड़ापन, बार बार स्वप्न दोष हो जाता है और उसके बाद स्थिरता और शीघ्र पतन की समस्या होती है, उत्तेजना का ना होना, इन सारी शिकायतों को दूर करने के लिए एवना सेटाइवा रामबाण जैसा काम करती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये, ज़रूर इसे यूज़ करके देखें। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। सेवन विधि इस प्रकार है, एवना सेटाइवा क्यू, मतलब एवना सेटाइवा मदर टिंचर, 3 बूंद की मात्रा में रोज 2 बार, और डैमियाना क्यू 3 बूंद की मात्रा रोज 2 बार देने से धातु संबंधित सभी प्रकार की गड़बड़ी दूर होकर रोगी धातु की समस्या हमेशा के लिए, शिकायत दूर हो जाती है। मैंने कई रोगियों पर इसकी परीक्षा की है, मतलब जो लेखक है उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ये मेडिसिन जैसा बताया, उन्होंने वैसे देखा है और बारंबार सफलता पाई है। मतलब हर बार, बहुत बार उन्होंने सफलता पाई है। तो आप भी अगर सफलता पाना चाहते हैं तो मेडिसिन का उपयोग करें। पता तो चल ही गया है कैसे आप करें। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आप लोग भी लाभ उठाएं। यदि इस संबंध में और कुछ पाठकगण पूछना चाहते हो, मेरे पते पर पत्र व्यवहार कर सकते हैं और मैं अवश्य उत्तर दूंगा। तो हालांकि ये जो बुक है बहुत पुरानी है और लेखक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज सेक्शन नीचे है। एवना सेटाइवा मदर टिंचर 3 बूंद थोड़े से पानी में, लगभग 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार यूज करें, और डैमियाना मदर टिंचर 3 बूंद थोड़े से पानी में दिन में 2 बार यूज करें। धातु रोगों के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर के बटन दिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है,
मैसेज जरूर करिएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।